फसल तैयार है और गवर्नमेंट खरीद रही नहीं, और खरीद रही है गवर्नमेंट एज ए प्लेयर बीच में मौजूद से इनकार कर रही है, और खरीदारी हदफ उन्होंने आज पिछले साल की नस्बत आधा किया हुआ है, उससे ये हो रहा है कि मिडल मैन जो है और कमीशन माफिया वो उठाया जा रहा है। सबका पेट पालने वाला काश्तकार हुकूमती पॉलिसियों पर परेशानी का शिकार। गंदम का मुनासिब रेट न मिलने पर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर किसान सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं हुकूमत आलमी मंडियों से 5500 रुपए मन गंदम खरीद सकती है, मगर किसानों से 3900 में भी खरीदने को तैयार नहीं। ये जो केयर टेकर थे ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और हम बड़े क्लियर माइंडेड कहते हैं कि जिसने भी ये किया उसने जुल्म किया और इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। निगरान हुकूमत ने बिला जवाज गंदम दरामद की, जिम्मेदारों के खिलाफ तहकीकात की जाए। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासिन का मुतालिबा। लाहौर न्यूज से गुफ्तगू में मजीद कहा मामले को असेंबली के सेशन में उठाऊंगा, मौसम की वजह से गंदम की कटाई ताखिर से हो रही, सब ठीक हो जाएगा। FIA ने लेस्को में मजीद 10 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग पकड़ ली। डायरेक्टर FIA के मुताबिक लेस्को ने मजमूरी तौर पर एक साल के दौरान 92 करोड़ यूनिट अवाम पर ओवर बिलिंग के जरिए से डाले। लेस्को की जानिब से सरकारी इदारों को भी ओवर बिलिंग का इंकशाफ। आइंदा चंद रोज में मजीद लेस्को के बड़े अफसरान की गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्के। बिजली का इस्तेमाल आम आदमी के लिए बना वबाल। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। फी यूनिट 2.94 रुपये महंगा होने का इम्कान। इजाफे से सार्फिन पर एक माह में 20 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। गुज़श्ता माह ऑयल से भी बिजली पैदा की गई। बिजली की कीमतों में मुजावजा इजाफे की वजूहत भी सामने आ गई। ओवर बिलिंग रोकने के लिए लेस्को ने कमेटी तश्कील दे दी। तमाम सर्कल्स के चीफ इंजीनियर्स और हर सर्कल से 2 अफसरान कमेटी के मेंबर मुकर्रर। कमेटी हर सर्कल में ओवर बिलिंग का जायजा लेगी। लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर की जानिब से तमाम अफसरान को ओवर बिलिंग न होने की हिदायत भी जारी के हासिल की। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज रोंग में पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला मरियम नवाज के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। पुलिस यूनिफॉर्म पहने वज़ीर आला मरियम नवाज ने परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान को इनामात भी दिए। मैंने आज जो ये यूनिफॉर्म पुलिस का पहना है दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, लेकिन जब मैंने ये पुलिस का यूनिफॉर्म पहना तो मुझे ये एहसास हुआ कि चाहे वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना हो, चीफ मिनिस्टर का ओथ लेना हो, या वो पुलिस का यूनिफॉर्म हो, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी। कोई मज़लूम आपके पास आ जाए तो वो जो आपकी हमदर्दी है, आपकी सॉफ्ट हार्टेडनेस है, वो सारी उस मज़लूम के लिए होनी चाहिए, उस मजबूर के लिए होनी चाहिए। ज़ालिम के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाता है। पहली बार पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर एहसास हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। महकमा पुलिस में खिदमत देने वाली ख्वातीन पर फख्र है। आपकी हमदर्दी मजलूम के लिए होनी चाहिए। महकमा पुलिस में ख्वातीन की तादाद बढ़ाकर निस्त करना चाहते हैं। मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पासिंग आउट परेड के शुरका से खिताब। पंजाब असेंबली का प्री बजट इजलास। इजलास 3 घंटे 37 मिनट की ताखिर से शुरू हुआ। आज इजलास में लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। पंजाब असेंबली के इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिसेस भी पेश किए जाएंगे। पटियाला जेल के जो वासी हैं उसमें कई लोग मकीन रहे हैं, पता नहीं अब कादिर किन से बात करें। बड़ी वाजे और दो टोक बात है कि कुछ लोगों का वजूद अदम इस्तेहकाम का बाइस है, और ये अदम इस्तेहकाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हवा में लटकी हुई है, ये पैदा किया जाता है, इसके लिए धरने देने पड़ते हैं। स्पीकर असेंबली मलिक अहमद खान के बानी PGI का नाम लिए बगैर तनकीद। बोले अडियाला जेल कई लोग गए, पता नहीं ताजिर किससे बात करने का कह रहे हैं। कुछ लोगों का वजूद ही अदम इस्तेहकाम का बाइस है। अदम इस्तेहकाम कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हवा में लटकी हुई है, इसे तो पैदा किया जाता है।
कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़िले सदारत इजलास, रोटी नान की कीमतों के नफाज, गंदम खरीदारी के हवाले से तबादला ख्याल। कमिश्नर लाहौर की डीसीज को खिलाफ वर्जियाँ 0% पर लाने की हिदायत। रोटी नान की कीमतों के हवाले से पंजाब कीमत ऐप पर आने वाली शिकायत का 24 घंटे में ही अजाला करने का हुक्म। गोश्त की चेकिंग के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की स्पेशल टीम तश्कील। टास्क फोर्स सप्लाई होने वाले गोश्त की तफसीली जांच पड़ताल को यकीनी बनाएगी। मीट सेफ्टी टीमें स्लॉटर हाउसेस, फ्रोजन मीट यूनिट्स, मीट शॉप्स, मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स का रोजाना की बुनियाद पर तफसीली मुआयना करेगी। पोल्ट्री फार्म स्लॉटर हाउसेस से आने वाले गोश्त के मायार का रिकॉर्ड भी मुरतब होगा। इम्तिहानात में नकल की रोकथाम के लिए इकदाम। लाहौर समेत सूबे के हसास इम्तहानी मराकज में कैमरे नस्ब। मजमू तौर पर 638 हसास इम्तहानी सेंटर्स में 2697 कैमरे लगाए गए हैं। मॉनिटरिंग के लिए 2 मकामात पर कंट्रोल रूम्स भी कायम। कंट्रोल रूम में डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटरिंग की सहूलत मौजूद होगी। एक क्लिक पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के इम्तिहानी सेंटर को मॉनिटर किया जा सकता है। डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान की ज़ेरे सदारत इजलास। गलत मुकदमा दर्ज करने पर एसएचओ कहना को मौतल कर दिया। 3 से 5 बजे तक एसएचओ को शिकायत के अजाले के लिए थानों में रहने की हिदायत। जराइम की रोकथाम के लिए मौसर कार्रवाइयां करने का भी हुक्म। सर्विसेज हस्पताल में मुबैना तौर पर नामौलूद बच्चा तब्दील। शहरी कामरान ने सर्विसेज हस्पताल के अमले पर बच्चा गायब करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। शहरी ने हस्पताल अमले के खिलाफ पुलिस और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को दरख्वास्त जमा करवा दी। प्रिंसिपल समस्त मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। पाँच साल बाद पंजाब हुकूमत का पार्क्स को फंड्स देने का फैसला। पीएचए के ज़ेरे एहतमाम 700 छोटे बड़े पार्क्स की हालत ज़ार। पीएचए के इस्तेदाब पर पार्क्स की मरम्मत बहाली के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख। लहसुन 750, अदरक 700, लीमू 250, प्याज 200, टमाटर 150 रुपये किलो बिकने लगे। भिंडी 450, मटर 250, करेले 180, गोभी और आलू 120, बैंगन 100 रुपये किलो फरोख। अनार बदाना 1100 से 350, स्ट्रॉबेरी और अमरूद 160, खरबूजा 150 रुपये किलो में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 13 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 612 रुपये हो गई। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 10 रुपये फी किलो कमी। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 406, परचून रेट 422 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 17 रुपये दर्जन सस्ते, कीमत 237 रुपये हो गई। अंडों के पेटी 6990 रुपये में फरोख्त। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। लाहौर समेत पंजाब में गैर मामूली बारिशों का इम्कान। बरसाती नदी नालों में सैलाबी सूरतहाल का खदशा। पीडीएमए के मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरतहाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत।